गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी लिट का चैप्टर 8, सुखी कौन। एक नगर में एक सेठ रहता था, उसका नाम था लक्ष्मीदास। वह बहुत पैसे वाला था, उसके पास किसी भी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं थी। बहुत सारा धन था, एक बहुत बड़ा कारखाना भी था और उसके पास काफ़ी सारे मकान थे और सोने चांदी के गहने भी बहुत सारे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह बहुत कंजूस था। उसे मतलब छोटा सा ज़रूरी कार्य करने के लिए भी वह पैसे खर्च करने में बहुत दुखी होता था। उसका सारा समय केवल धन इकट्ठा करने में जाता था एक दिन क्या हुआ, उसके नगर में एक साधु बाबा आए। वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे, लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। तो धीरे धीरे यह बात थी पूरे नगर में फैल गई। तो उसने सोचा कि बाबा आए हैं, अगर वो सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो मेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। यही सोचकर लक्ष्मीदास जो था साधु बाबा के पास गया मंदिर में और उनके जाकर पैर पकड़ लिए। साधु बाबा ने उसको क्या किया, अपने प्रेम भाव से उसको अपने पास बिठाया और उससे बातचीत की। तो सेठ लक्ष्मीदास ने कहा, बाबा मेरे पास बहुत धन है, कई मकान भी हैं सोने चांदी की और कारखाने की, किसी चीज़ की मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। बस कमी है तो किस बात की, सुख की। तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए, उसने बाबा से ऐसा कहा। तो साधु बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी पर एक शर्त है। साधु बाबा ने क्या किया कि लक्ष्मीदास के सामने एक शर्त रख दी। तो शर्त सुनकर जो लक्ष्मीदास था वह पहले तो घबरा गया कि कहीं बाबा उससे उसके रुपया पैसा धन ना मांग ले। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि ठीक है बाबा, आप मुझे अपनी शर्त बताइए, मैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। तो फिर उसने बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर के पास थोड़ी दूरी पर एक सुखीराम नाम का एक व्यक्ति रहता है, वह बहुत गरीब है। तो तुम्हें उसके यहाँ आटा, दाल, चावल, घी आदि देकर आना है। लक्ष्मीदास इस पर राजी हो गया। उसने कहा, जी बाबा मैं यह सामान उसके घर दे आऊँगा। तो लक्ष्मीदास ने क्या किया, अपने घर आकर सामान एकत्र किया और वह सामान लेकर सुखीराम के घर पहुँच गया। लक्ष्मीदास ने देखा कि सुखीराम की लड़की जो है वो गेहूँ साफ कर रही थी और माँ उसकी चक्की चला रही थी। क्या चला रही थी, चक्की, ठीक है। वह कुछ देर खड़ा हुआ देखता रहा, फिर उसने कहा कि मैं आप सबके लिए खाने का सामान लाया हूँ, इससे तुम्हारी खाने की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। उसने कहा तुम्हारी जो खाने की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो उसकी पत्नी ने कहा, भैया आज तो हमारे पास खाने के लिए है तो हम खाना नहीं लेंगे। तो लक्ष्मीदास ने कहा, कोई बात नहीं, आप यह भोजन कल के लिए रख लीजिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कल के लिए तो वो जो बेटी थी उनकी, उसके पिताजी कमाने के लिए गए हैं, कल की चिंता हमें नहीं है, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, वे हमारी चिंता अवश्य करेंगे, ठीक है। यह बात सुनकर जो लक्ष्मीदास था एकदम सन्न रह गया, सन्न मतलब आश्चर्यचकित। उसने सोचा कि इस घर में कितनी शांति है, यह परिवार बहुत गरीब होते हुए भी बहुत सुखी है। तो फिर उसने कहा, मैं कितना धनवान हूँ, मुझ पे इतना धन होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। यह सोचकर वो सीधा बाबा के पास गया और बाबा के चरणों में जाकर बैठ गया। साधु बाबा ने कहा, गरीब परिवार को भोजन दे आए। तो लक्ष्मीदास ने कहा, महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं समझ गया हूँ कि सुख किस चीज़ में है। उसने कहा कि बाबा मुझे पता चल गया है कि लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लालसाओं को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम सुख को उसमें घुमा दें। मतलब वह समझ चुका था कि शांति में ही और अपने परिवार के साथ रहने में ही हमें सुख प्राप्त होता
है, ठीक है। तो लालच के पूरी उसको वो समझ चुका था। चलिए अब आप लोगों का मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग अच्छे से एक बार इसको पढ़िएगा, फिर याद कीजिएगा, ठीक है। ओके।